हमने जो है बट वी हैड डन यस्टरडे दैट सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स और नॉन सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स एवरीबडी दे कन्वर्ट नाइट्रोजन eight protons plus 16 ATP results in formation of two molecules of ammonia plus one hydrogen plus 16 ADP and phosphate. Therefore, and remember that ammonia is reduced form of nitrogen. ठीक है, one ammonia formation consumes 8 ATP. ठीक है जी, then ammonia is highly toxic. ये आपको पता है, highly toxic in small concentration. Therefore, ammonia immediately combines with its protons to form an, what is this? Ammonium ions. अब हमने करना है फेट ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन की. किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो फ्री लिविंग है या क्या है, उसमें अमोनियम आयन कैसे हम अल्टीमेटली जो करते हैं यूज और synthesis of, you know, used for synthesis of amino acids. But कैसे बनते हैं amino acids? One is by reductive amination. इसमें क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है, प्लस अमोनियम आयन्स प्लस NADPH. ऑब्वियसली कोई एंजाइम है, कौन सा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स है. ठीक है, तो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड प्लस वॉटर प्लस NADP पॉजिटिव. अगर हम ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाते हैं. हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड, अमोनियम आयन्स, NADPH, एंजाइम आ जाता है बेटा ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज. अल्फा कीटो ग्लूटारिक, ग्लूटारिक से पता ही चल जाएगा यहाँ पे
कौन सा इट इज ग्लूटामेट या फिर इसको हम अगर ये आयनिक फॉर्म में है अदरवाइज इट इज ग्लूटामिक एसिड प्लस वॉटर प्लस एनए डीपी पॉजिटिव ठीक है। तो दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन कि एक अमीनो एसिड से में क्या अटैच हो गया अमीन जो और सॉरी नॉट अमीनो एसिड बट ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड के पास सब कुछ है। एक अमीनो एसिड में क्या होता है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आर चेन सी ओ ओ एंड एनएच पॉजिटिव ये चीज होती है। किसी ऑर्गेनिक एसिड में ये सब कुछ है क्या नहीं है ये नहीं है। सो दिस इज गिवन बाय द अमोनियम राइट। सो दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। सेकेंड प्रोसेस हो जाती है ट्रांस एलिमिनेशन ट्रांसफर करना सेकेंड है ट्रांस एलिमिनेशन। एमिनेशन अगेन अमीनो ग्रुप ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर करना अमीनो ग्रुप। ऑब्वियसली किसी कंपाउंड के पास अमीनो ग्रुप होगा जो किसी को ट्रांसफर करेगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें यहाँ पे है अमीनो एसिड वन प्लस ऑर्गेनिक एसिड अमीनो एसिड वन क्या है ये है अमाइनो डोनर। यहां पे सिर्फ क्या हुआ है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड से कोई और अमीनो एसिड बन गया सिर्फ ये फर्क पड़ा है। दिस ऑर्गेनिक एसिड वन दिस इज अमाइनो एक्सेप्टर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड से बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड टू प्लस ऑर्गेनिक एसिड से बन जाएगा अमीनो एसिड टू इन विच व्हाट हैपेंस ऑर्गेनिक एसिड को हम बेटा कीटो एसिड भी कह देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीटो एसिड ठीक है। पहले ये लिखो मैं बोर्ड खाली करती हूँ फिर तुम्हें इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। इसके एग्जांपल हम बता रहे हैं दिस इज अमीनो एसिड ऑक्सैलो एसिटेट इज कीटो एसिड या यू कैन से ऑर्गेनिक एसिड। इट चेंजेस इट गिव्स अमाइनो ग्रुप या अमोनियम ग्रुप टू ऑर्गेनिक एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आपने पहले एग्जांपल में देखा था ग्लूटामेट किस ऑर्गेनिक एसिड से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्लस इससे क्या बन गया एस्पार्टेट राइट। तो वन अमीनो एसिड इट गिव्स इट्स अमीनो ग्रुप टू अनदर ऑर्गेनिक एसिड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमीनो एसिड। इसी तरह से चेंजेस होते रहते हैं वन अमीनो एसिड गेट चेंज इनटू अदर अमीनो एसिड। हम एक और फॉर्मूले के साथ कर लेते हैं दैट इज अमीनो एसिड क्या है दिस इज आर आर के साथ क्या हो जाता है एच है या ये एन नॉट आर दिस इज सी दिस इज आर ग्रुप ठीक है। दिस इज सी ओ ओ ग्रुप प्लस एन एच थ्री पॉजिटिव इसके साथ क्या है दैट इज योर
अमाइनो एक्सेप्टर कीटो एसिड है, इसको आर वन कह लो, ये है आर टू सी कार्बोक्सिलेट ग्रुप और डबल बॉन्ड ओ, दिस इज अमीनो एक्सेप्टर, दिस इज कीटो ग्रुप। रिजल्ट से यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या फर्क है, यहां से अमीनो ग्रुप इधर चला था, तो ये क्या बन गया है सी आर वन डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ प्लस आर टू सी सी ओ ओ नेगेटिव एच एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन अकर्स। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एंजाइम है एस्पार्टेट ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेस, तो मेन एंजाइम ये है ट्रांसएमिनेस, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल अगर हमने इस तरह से शो करना है तो यहाँ पे हम ट्रांस एमिनेस लिखते हैं, दिस इज सिंपल ट्रांस एमिनेस। थर्ड आ जाता है बेटा कैटालिटिक इमाइडेशन, साथ ही लिख लेना कैटालिटिक इमाइडेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमाइड ग्रुप्स। बेटा एक मिनट, here is formation of amides, amides आपको पता है, such as glutamine and asparagine, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करके लिख रही हूँ, ये मैं ऊपर का रब कर देती हूँ जरा, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट प्लस अमोनियम आयन्स प्लस एटीपी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिन प्लस एटीपी प्लस फॉस्फेट। ग्लूटामेट में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं वैसे ही बता रही हूँ, NH3 positive, CH2 twice, COOH. This is glutamic acid या glutamate. This is an amino acid. और अगर हम यहां से अगर इसके साथ एक और amino acid attach, amino group attach हो जाए तो ये क्या बन जाता है, CH2 twice CONH2, ये amide group आ गया, this is glutamine, right? तो ये amide CO तो पहले था, NH2 कहाँ से आ गया, ये amino group से या ammonium group से जो है ये NH2 आ गया, this is glutamate, this is glutamine, right? So इसी तरह से अगर यहाँ पे एस्पार्टेट आ जाएगा तो एस्पेरेजिन आ जाएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ इमाइड्स,
found in the living organisms. Is it okay? ठीक है. And enzyme here is glutamine synthase. ठीक है जी. एक और आ जाता है बेटा, ग्लूटामेट. यहाँ पे एमाइड तो नहीं बनता, बट आप यहाँ पे देखो प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट है तो प्लस अमोनियम आयन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट. ये कोई ज्यादा तो नहीं, बट ये रिएक्शन एक जगह दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखवा दिया. अदरवाइज ये पहले रिडक्टिव एमिनेशन जैसा ही आ जाता है. अल्फा कीटोग्लूटरेट से एक और अमोनियम आयन आ गया. ठीक है जी. तो ये ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, बट ऊपर वाला जरूरी. सो दीज आर द थ्री फेट्स ऑफ यू नो अमोनियम आयन. पहला क्या है मेरे साथ बोलो फटाफट से. फर्स्ट क्या था? यस फॉर्म रिडक्टिव एमाइनेशन. ठीक है. सेकंड क्या है? ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन. और थर्ड क्या है भव्य? कैटालिटिक एमाइडेशन. कैटालिटिक एमाइडेशन. सरगम तीनों बता दो जरा जल्दी से. मैम रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांसफरेज एमिनेशन एंड कैटालिटिक एमाइडेशन. ट्रांस एमिनेशन एंड कैटालिटिक एमाइडेशन. बिल्कुल ठीक है. अब जो रह गया वो चीजें लिख लो. तो अब जो है अगर हम बात करें एमाइड्स की, एमाइड्स का क्या है बेटा? जो COOH है इसमें OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2, राइट? सो एमाइड्स में OH ऑफ COOH इज रिप्लेस्ड बाय NH2. एमाइड्स को हम और क्या बोल देते हैं? डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स. ठीक है जी. टू मेन एमाइड्स कौन से है? ग्लूटामिन एंड एस्पेरेजिन. और ये हम अमीनो एसिड्स में गिनते हैं. फॉर्म कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स. अनदर एमाइड, एक और एमाइड होता है व्हाट इज विटामिन नायसिन ए. ये हमने अलग इसलिए लिख लिया क्योंकि ये प्रोटीन्स का कंपोनेंट नहीं है, राइट? एमाइड्स जो है इसकी अगर हम फंक्शंस देखें, दे स्टोर नाइट्रोजन, है ना? दो दो अमीनो ग्रुप्स है, दे स्टोर नाइट्रोजन. ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम रूट नोड्यूल्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट अगेन. याद आपको क्या रखना है? दैट इट अकर्स थ्रू जाइलम.
So this organic nitrogen is, you know, हम क्या कहते हैं वैसे तो हम कहते हैं कि जो xylem है उसके through inorganic substances transport होते हैं, but here organic nitrogen is transported through xylem. Another is एक आ जाता है यूरियाइड्स. यूरियाइड्स वैसे होता क्या है, इट इज यू नो डिग्रेडेड यूरिया. बट प्लांट्स में क्या है, इन प्लांट्स यूरियाइड्स ऑल्सो स्टोर नाइट्रोजन. एमाइड्स में नाइट्रोजन स्टोर होती है, यूरियाइड्स में नाइट्रोजन स्टोर होती है. दे हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो. तो अब जो मेन मैं बात बता रही हूं वो क्या है कि इन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड एल्डर्स, एल्डर्स कौन से है, सच एज एल्डर्स जहां पे फ्रेंड किया है, नाइट्रोजन फ्रॉम रूट नोड्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड एज अमीनो एसिड्स और एमाइड्स और यूरियाइड्स टू एग्जाम. इज इट ओके? ये क्या है, दिस इज यू नो इन सिंबियोटिक एसोसिएशन. अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगी, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी और डिटेल करेंगे. प्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग तुमने क्या किया, नाइट्रोजन इज यू नो कन्वर्टेड, मैं सीधा ये बता रही, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. दिस अमोनिया सम रिलीज इन सॉइल और कुछ इन प्रोसेस से सम यूज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ने अपने लिए फिक्स की थी नाइट्रोजन, प्लांट्स के लिए या हमारे लिए नहीं की, वो तो एक्सेस में नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है तो बाहर आ जाती है. ठीक है, अब अमोनिया इन सॉइल, ठीक है, इसकी क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब अमोनिया. नाइट्रिफिकेशन से पहले बनता है नाइट्राइड्स और फिर बनता है नाइट्रेट्स. बट नाइट्रिफिकेशन करता कौन है, नाइट्रिफिकेशन बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, तो दीज आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अभी बताएंगे, दैट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टस, उन्होंने क्या बनाया, दैट इज नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, बट नाइट्रेट्स एब्सॉर्ब तो कर लेता है, यूज नहीं करता है,
nitrates are changed into ammonia inside plants also. So first process ye hai, ye ek bacteria ne ki, ye dusre type ke bacteria ne soil ne ki, nitrates plants ne absorb kar liye, aur fir third aa jata hai, nitrate assimilation. In plants by enzymes, obviously, this nitrate is first changed into nitrite and then into ammonia, or then ammonia se ammonium ions, or then ammonium ions se jo humne yahan pe process ki thi, reductive amination, transamination, imidation, ye sab process, okay. प्लांट्स अमीनो एसिड्स बनाते और फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक और आ जाता है डेथ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स अमीनो एसिड्स और फिर अमोनिफिकेशन ठीक है ये अब हम चार प्रोसेसेस ये भी डिस्कस करें पहले आप ये लिखो और फिर ये ब्रीफ में लिख लेंगे राइट अब यही जो मैंने बताया प्री लिविंग बैक्टीरिया ये वाला ये सारा जो है हमने क्या कहा दोबारा से मैं बता रही हूं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टेकन बाय प्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच फॉर्म्स अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन और यहाँ पे एंजाइम है नाइट्रोजिनेस उधर से है Dead plants and animals decomposition of proteins which forms amino acids. अमीनो एसिड्स फिर यहाँ आ जाएंगे अमीनो एसिड्स इन सोयल ये सब सोयल में हो रहा है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है अमोनिफिकेशन And the results in formation of again ammonia. Some of this ammonia is get two passages. एक पैसेज तो है दैट इज डी अमोनिफिकेशन टू फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ठीक है
हम क्या कह देंगे कि सम ऑफ थोड़ा सा सम ऑफ अमोनिया वोलेटिलाइजर्स इट इज वोलेटिलाइजर्स टू फॉर्म एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. बाकी जो दूसरा पैसेज है वो क्या है नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है मैं यहां से थोड़ा सा बताती हूँ. अमोनिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास या फिर दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है नाइट्रोकोकस. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या हम कहेंगे अमोनिया प्लस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इट गेट्स चेंज्ड इनटू नाइट्राइड्स. दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. That is nitrides plus protons plus water. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करोगे 2, 3, this nitrate, फिर another process, ये nitrification की first है. सेकेंड है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्राइड जॉइंस विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर. एंड दूसरा बैक्टीरिया है नाइट्रोसिस्टिस. अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है आर हीमो ऑटोट्रॉफ. क्या मतलब है कीमो ऑटोट्रॉप्स का? दैट इज दे ऑक्सीडाइज नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट ड्यूरिंग विच जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी क्या होगा ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज. हर प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे बात करें प्लस एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. चार आपको नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बताए हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोबैक्टर. ठीक है, ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेंगे एंड यूज इट इन सिंथेसिस ऑफ देयर ओन. तो कीमो ऑटोट्रॉप्स दे ऑब्टेन एनर्जी नॉट फ्रॉम लाइक फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं है कीमो ऑटोट्रॉप्स है फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड यूज दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. राइट, सम ऑफ द नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स अगेन
यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ द नाइट्राइड्स इट अंडरगोज डी नाइट्रिफिकेशन बाय अगेन बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, एंड दिस इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, मैं दोबारा से नाइट्रोजन अमोनिया, कुछ अमोनिया इसमें चला गया, बाकी चेंज हुआ नाइट्राइड्स में नाइट्रेट्स में, कुछ नाइट्रेट इसमें चला गया, फिर प्लांट्स में प्लांट्स की डेथ है और क्या बन रहा है अमोनिया. प्लांट से गया एनिमल्स में, एनिमल्स की भी डेथ है और फिर अमोनिया. दिस इज द प्रोसेस इन जनरल जो मैंने अभी आपको बताया, बट प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. पहले आप लोग नोट डाउन कर. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रेट्स जो है, ब्रैकेट में लिख लो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये जो है इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. From soil through roots, roots में absorb की through xylem, reaches in leaves, leaves में पहुंच गई. नाइट्रेट नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन इन लीव्स. यहां पे क्या है, नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नाइट्रेट reductase. अब reduction ही होने results in formation of nitrites. This is in cytoplasm of leaf cells, mesophyll cells के cytoplasm. This nitrite enzyme है nitrite reductase and it occurs in chloroplasts of mesophyll cells and it results in formation of अमोनिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
ammonia assimilation. Ammonia is first changed into ammonium ions और फिर आ जाता है रिडक्टिव एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन एंड कैटालिटिक एमाइडेशन और इन सब से क्या बनता है अमीनो एसिड्स एंड सो दिस इज हाउ द प्लांट्स सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स एंड एमाइड्स सो एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अमोनिया सॉरी नाइट्रेट्स बट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अगेन अमोनिया ठीक है नाइट्रेट्स अमोनिया में चेंज होगा और देन प्लांट्स कंज्यूम दिस नाइट्रोजन राइट करो सो नाउ मेजर रिजर्वोयर ऑफ मिनरल्स ये क्या है सॉइल सॉइल में कहां से आया वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉर्म सॉइल एंड रॉक्स जो है रॉक्स स्टोर मेनी मिनरल्स तो उससे जो है वो सॉइल में राइट But for growing plants, some of macronutrients, not micro generally, macronutrients are deficient in soils. Therefore, added as fertilizers such as NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, urea, etc. Next is absorption of minerals. ये हमने किया भी था बट थोड़ा सा और बताओ These are पहली बार तो absorbed as ions. First, they are absorbed in the intracellular or free spaces of root cells and this is called as apoplast and it occurs by Passive transport second stage hai stage is symplast that is movement of ions From free space to cells के अंदर जाने into the cells
और सेल्स में मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव कैरियर्स. And ATP. Therefore, it is by active process. So, first phase is passive process, second is active process. And movement of ions. इसको हम बोलते हैं फ्लक्स. इनसाइड सेल्स तो इनफ्लक्स एंड आउटसाइड सेल्स तो इफ्लक्स. Once minerals are inside cells of root, they reaches up to xylem again by symplast and then transported passively. Transport जो हो रहा है वो passive transport हो रहा है passively along transpiration stream. So this is how the minerals enters inside the plants and this is how the transport occurs. ध्यान से दोबारा से कि intracellular cells की जो intracellular spaces में minerals आए वो है passively. But फिर उन्होंने membranes को cross किया. वो कैसे किया? By active. Right? और आप एक चीज और कह सकते हैं कि रूट हेयर के अंदर जो है वो पैसिवली है बट उसके बाद जब एपिडर्मल सेल्स कॉर्टिकल सेल्स और वो सब गए तो वो एक्टिवली गए और फिर पहुंच गए वो इसके पास दैट इज इन द जाइलम एंड देन ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम पैसिवली टू द अदर पार्ट्स ऑफ करोना.